दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हमारे साथ हैं। अध्यक्ष जी, क्या किस लिए ये प्रदर्शन हो रहा है, क्या मांगे हैं? दिल्ली की एक बहन जो महिला सांसद भी है, स्वाति मालीवाल, उसके साथ मुख्यमंत्री आवास में अभद्रता की जाती है, मारपीट की जाती है, और उनके सांसद संजय सिंह खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, मुख्यमंत्री आवास में ये हुआ है। उनके समर्थन में, उस बहन के समर्थन में, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ने ये बहनें सड़कों पर उतरी हैं। मुझे हैरानी इस बात की है कि संजय सिंह के स्वीकार करने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे। हमारा ये मानना है कि स्वाति मालीवाल के साथ जो मारपीट की गई है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल है, और अरविंद केजरीवाल की चुप्पी उन्हें संदेह के घेरे में लाती है। और मैं चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस इस मामले में स्वयं आगे आके जांच करे और पूरे इस खेल का खुलासा करे। लेकिन सचदेवा जी, संजय सिंह ने तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा ना कि पार्टी ने संज्ञान लिया है और अरविंद केजरीवाल खुद इस पर कड़ा एक्शन लेंगे। कितना टाइम लगेगा जी? 4-3 दिन से ज्यादा हो गए, 45-50 घंटे होने जा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने मुंह में दही जमाई हुई है क्या? कार्रवाई करने में क्या समय लगता है? एक फोन करें अरविंद केजरीवाल, पुलिस को फोन करें कि मेरे घर में ये घटना घटी है, जो भी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई करे, दूध का दूध पानी का पानी। सचदेवा जी, अभी तक स्वाति मालीवाल ने खुद पुलिस में शिकायत तो नहीं दी है, कंप्लेन भी नहीं दी है। एक महिला, एक बहन के ऊपर कितना राजनीतिक दबाव हो सकता है, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल ने खुद महिलाओं की आवाज बनकर दिल्ली में काम किया, हम अपेक्षा करते हैं कि वो सामने आए। लेकिन एक आखिरी सवाल है कि क्या आपको नहीं लगता कि ये राजनीतिकरण हो रहा है, पुलिस को इस पे एक्शन लेना चाहिए? अगर एक महिला के साथ अभद्रता होती है और उसके समर्थन में हमारी बहनें उतरती हैं, तो जिन्हें ये राजनीति लगती है उनको राजनीति मुबारक। शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, ये है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, जिनका कहना है कि इतना वक्त क्यों लग रहा है, क्योंकि ज्यादा कई दिन बीत चुके हैं ये घटना घटित हुई, और ये घटना मुख्यमंत्री आवास के अंदर हुई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को खुद सामने आना चाहिए और इस पर जो है वो कंप्लेन देनी चाहिए पुलिस में।